इनके डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नौशीन आमिर साहिबा, पहले आपसे बात करेंगे, बड़ा अहम मामला है जिस तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है, क्या नंबर्स आप लोगों ने देखे हैं, क्या आप लोगों के सामने जो डेटा आया है उसके मुताबिक 90% से ज़ायद जो आपने बताया कि ज़रूरत ही नहीं होती और इंजेक्शन लगा दिया जाता है, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो 94% जो है वो इंजेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में अननेसेसरी लगाए जा रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि हमारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट ऐसे बन गया है, अगर आप ये इलाकों के अंदर जाए, अर्बन स्लम्स में जाए, उधर कि वो जब तक उनको इंजेक्शन नहीं लगता वो समझते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, और बल्कि फरमाइश करके लोग इंजेक्शन लगाते हैं। और मैंने देखा है कि ये जो इन हमारे जो स्लम एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे अगर डॉक्टर इंजेक्शन या ड्रिप ना लगाए तो वो पेशेंट सोचता है कि ये डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, हमारी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं कर। तो एक तो ये हमें अवेयरनेस दिलाने की जरूरत है कि ओरल मेडिकेशन जो है वो इक्वली इफेक्टिव होती है, और ये अननेसेसरी इंजेक्शंस जो हैं इनको हमने किस तरीके से डिस्करेज करना है। तो इसके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो उसने एक जनवरी में भी एक कैंपेन लॉन्च की थी, जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, उसके तावन से ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये अननेसेसरी इंजेक्शन पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में मतलब कि हर शख्स का अगर हम एवरेज निकालते हैं 8 इंजेक्शंस पर ईयर पर पर्सन बनते हैं, जो कि हाईएस्ट इंजेक्शंस है इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतने इंजेक्शंस नहीं लगते जितने पाकिस्तान में लगते हैं। अच्छा। और इन इंजेक्शंस की खाली एक तो इंजेक्शन लगना है, दूसरा ये कि ये इससे बड़ा इशू जो आता है कि ये इंजेक्शन जब आपके गांव देहातों में और स्लम एरियाज में और अर्बन स्लम्स में जो क्लिनिक्स छोटे छोटे बने हुए हैं जो कि डॉक्टर होते वो रीयूज भी करते हैं सिरिंजेस की, जिसकी वजह से इस वक्त हेपेटाइटिस एचआईवी एड्स भी जो है वो बहुत तेजी से फैल गया है। और इस वक्त मतलब उसमें भी हमारी दुनिया अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इन बीमारियों में भी बहुत ज्यादा नंबर है पाकिस्तान में। तो ये रीयूज आपने बात की कि इस तरह के एरियाज में, स्लम एरियाज में अगर हम बात कर लें कि लोग खुद फरमाइश करके कहते हैं कि हमें इंजेक्शन लगाएं, वरना तो उस डॉक्टर को वो डॉक्टर नहीं मान रहे होते हैं, हम देखते हैं कि माइंडसेट किसने बनाया। माइंडसेट भी तो इन्होंने ही बनाया ना। अगर हम देख लेते हैं, आम सी एक बात है कि हम कोई भी बीमारी को देख लें, छोटी से छोटी बीमारी पर एंटीबायोटिक भी तजवीज़ कर दी जाती है। जी बिल्कुल, और इस वक्त एंटीबायोटिक के भी इरेशनल यूज से और ओवर द काउंटर सेल जो है, जो ये इजली अवेलेबल है, उसकी वजह से हमारे मुल्क में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस है ना, वो भी बहुत तेजी से फैल रही है। और फिर ये होता है कि ये बार बार खिलाने से जब असल में वाकई जरूरत होती है तो उस वक्त फिर वो एंटीबायोटिक असर, ये इशू भी बहुत के ऊपर भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। ओवर द काउंटर सेल्स जो है उसके लिए भी पॉलिसी बनाई जा रही है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, और डॉक्टर भी उस वक्त देखे बाहर के मुल्कों में एंटीबायोटिक जो है वो उस वक्त तक नहीं दी जाती जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे यहाँ वायरल आम है मौसमी, मगर उसके अंदर लोगों की फरमाइश भी होती है लेकिन इलाज तो लोगों की फरमाइश पर नहीं किया जा सकता है, इलाज तो डॉक्टर ने बताना होता है कि ये इलाज करना है। ये जिस तरह से इकरा भी बात कर रही थी कि ये इनिशिएट कैसे हुआ, लोगों का ये जहन कैसे बन गया, जहन साजी किसने की? उसकी वजह ये है, और आपके भी तमाम सवालों का जवाब ये है कि ये ट्रेन जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है हमारे मुल्क में 6,28,000 डॉक्टर जो है वो मासूम जानों के जिंदगियों से खेल रहे हैं। अब होता है क्या है कि जो हमारे जो एलिगेंस डॉक्टर से जो जनरल प्रैक्टिशनर जो फैमिली मेडिसिन के लोग हैं वो जब देखते हैं कि जब उनके पास मरीज आता है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन लगाए। बहुत अच्छा नौशीन साहब ने कहा कि लोग डिमांड करते हैं, और यही बात है
वो कहते हैं कि जी उन्होंने दो इंजेक्शन लगाए थे तो मेरा बच्चा सही हो गया था, एक इंजेक्शन लगाया था तो मेरी बीवी सही हो गई थी, आपने तो दवा दी नहीं तो इंजेक्शन की। तो प्रॉब्लम ये है कि वहां से ये चीजें बढ़नी शुरू हो गई और हमारे डॉक्टर भी जो है वो उन्होंने अननेसेसरी मेडिसिन लिखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरी वजह यह है कि ये तकरीबन हम 45-50 साल से डिमांड कर रहे हैं तमाम हुकूमत से, और मैं समझता हूँ कि नौशीन साहिबा बहुत माजरत के साथ कि ये हुकूमत भी जो है ये काम नहीं कर सकेगी कि मेडिकल स्टोर पे कौन बैठता है। आपको पता ही नहीं है कि मैट्रिक पे मैट्रिक पास ये लड़के बैठते हैं, और दूसरा चीज़ आप कोई चीज भी ले लें, आपको अगर खुदकुशी करनी है ट्रेंकुलाइजर लेना है आप 100 बोले 100 बोले की फला दवा दे दें नीम की दवा दे दे वो आपको दे देगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो इस मुल्क के अंदर जब तक आप एक काम नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा। कि आप कम से कम ये तो लागू कर दें कि जी विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करेगा, और तमाम मेडिकल स्टोर पे फार्मेसिस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक कि ये सिस्टम नहीं करेगा आप हम प्रोग्राम पर प्रोग्राम करते रहे, मैं कितने प्रोग्राम कई सालों से इस तरह के टॉपिक पे बात करता रहता हूँ लेकिन फायदा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी प्रोग्राम करें या नौशीन साहबा, मेरे पिछले से भी है कि नौशीन साहबा यहाँ मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब पीएम में भी कुछ किरदार अदा कर सकती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर आप लोग आवाज उठाते हैं और उस आवाज के साथ हम भी हम कलाम हो जाते हैं, इस मामले के ऊपर पीएमए का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए पीएमए का किरदार यही है कि पीएमए एक डॉक्टर की नुमाइंदा जमात है, एक डॉक्टर की एसोसिएशन है, जिसको कायदे आजम साहब ने 1947 में ढाका में इसको फॉर्म किया कुछ डॉक्टरों के साथ कि आप अपनी फलाह बहबूद के लिए डॉक्टर हजरात एक कोई एसोसिएशन बनाए, एसोसिएशन बन गई। लेकिन अब हम डॉक्टरों की फलाह बहबूद से ज्यादा मरीजों की फलाह बहबूद की बात करते हैं, और हमारा जो है वॉच डॉग का काम होता है हुकूमत के साथ। तो हम किसी को सजा नहीं दे सकते, हम किसी को पकड़ के बंद नहीं कर सकते, हुकूमत से हम यही डिमांड कर सकते हैं, हुकूमत को गाइड कर सकते हैं, हुकूमत के साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। हम बोलते रहते हैं और हुकूमत भी एक काम से सुनती है दूसरे काम से निकाल देती है। हमें चाहिए कि देखें खुदारा ये सेहत का मामला है और हमारे मुल्क में किसी भी हुकूमत ने सेहत को प्रायोरिटी नहीं दी, सही है, और इसी वजह से हमारे यहाँ सिर्फ आप मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के नौशीन साहबा से मेरी बहन है कि खुदारा आप सिर्फ क्वैकरी को खात्मा कर दें, क्वैकरी का खात्मा कर दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब जिस तरह से अब डॉक्टर कैसर सजाद भी कह रहे हैं कि क्वैकरी है जो अताई हम डॉक्टर्स हमारे पास होते हैं इनका खात्मा होना चाहिए, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या पॉलिसी बना रही है कि इन तमाम जो चीज़ें इनको खत्म किया जा सके और लोगों की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि ये बेसिक कॉज जो है और जहाँ से ये चीज़ें फैली हैं वो ये अताई डॉक्टर्स ही हैं जो कि बैंक ही इसके ऊपर करते हैं। वो सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं बल्कि वो कॉकटेल्स ऑफ इंजेक्शन बना के एक ही ड्रिप में 3-4 मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ डालते हैं और वो इंजेक्शन वो ड्रिप लगा देते हैं कॉकटेल्स ही बना के, और ये रवाज उनकी तरफ से शुरू है। बिल्कुल इस वक्त हेल्थ केयर कमीशन जो हैं वो तमाम सूबों में मौजूद हैं और फेडरल का भी जो हेल्थ केयर कमीशन है इस्लामाबाद का जो वो भी अभी रिसेंटली उसको फ़ाल किया गया है और वो बिल्कुल पॉलिसीज बना रहा है और वो सर्वे भी करने जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन से अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और उनको रेगुलेट करने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए इस चीज इसकी तरफ अब ध्यान है। दूसरा फार्मा एथिक्स जो आज तक जिसपे तवज्जो नहीं दी गई थी इसके आता है कि एथिकल यूज ऑफ मेडिसिन और राइट प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। पिछले दिनों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने इस इनिशिएटिव के लिए डायरेक्शंस भी दी हैं कि प्रॉपर एक्शन प्लान बनाए जाए, उसके लिए हमारी दो एक सिटिंग्स भी हुई हैं और वो एक्शन प्लान भी बन रहा है। इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड दिया गया, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें एक्शन प्लान की लेजिस्लेशन भी है और उसके बाद फिर जाहिर है जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन वो बिल्कुल हुकूमत का काम है और मैं समझती हूँ कि ज्यादा स्ट्रिक्टर मेजर्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए, पर अब इस तरफ चूंकि इंशाल्लाह ताला अब फोकस करना शुरू किया है तो मुझे उम्मीद है कि हमें इसके बारे में भी रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कैसर सजाद साहब, ये भी फरमा दीजिएगा एक तो मामला यह है कि जो मरीज की सेहत पर बुरे असरात पड़ रहे होते हैं उसको हमने डिस्कस किया, उसकी जेब पर भी एक बहुत बुरे असरात पड़ रहे होते हैं उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माजरत के साथ, लेकिन प्रैक्टिशनर्स को हम ये देखते हैं कि महंगी अद्वियात
लिख के दे देते हैं और फिर इल्ज़ाम ये लगता है कि जी कि ये कोई मार्केटिंग का अंसर मौजूद था, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जानिब से कुछ इन्फ्लुएंस थे, और ज़्यादा एतराज़ ये बड़े और सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर लग रहा होता है। दूसरा टेस्ट का मसला है, 10 टेस्ट लिख दिए, 5 टेस्ट लिख दिए, फौरी मरीज जाता है, उसकी जेब पर भारी असर तो टेस्टों का पड़ जाता है। आपके पास कोई लीगल अगर देख लिया जाए, जिस तरह गवर्नमेंट का रोल है वैसा तो नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर तो डॉक्टर्स को भी ख्याल करना चाहिए, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात से पहले जरा सा मैं नौशीन साहब ने एक जुमला कहा है, हेल्थ केयर कमीशन। देखिए, हेल्थ केयर कमीशन इसीलिए बनी थी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने डिमांड करके हेल्थ केयर कमीशन को वजूद में करवाया था हुकूमत से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नौशीन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज प्लीज ये हेल्थ केयर कमीशन से पूछे कि कितने उनकी दुकानें बंद की गई है, कितने उनके क्लिनिक या दूसरी चीजें उनकी बंद कर की गई, कितने असाइयत की जो मेटर्निटी होम खुले हुए कितने बंद किए गए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको बंद किया जाता है, उन्हीं पे सब कुछ किया जाता है, हेल्थ केयर कमीशन का ये रोल है। और अब आता हूँ जो आपने सवाल किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमें डॉक्टर बनाया गया है, हम मरीजों की न सिर्फ उनके इलाज करें बल्कि उनकी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखें कि क्या ये मैं दवा लिख रहा हूँ तो ये जो मेरा सामने पेशेंट बैठा हुआ है या बैठी भी है, क्या ये दवा खरीदने के काबिल है कि नहीं है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि देखिए, हुकूमत को चाहिए कि एक सिस्टम बनाना चाहिए। ये सिस्टम ये नहीं बनेगा कि आप जेनरिक नेम लिख दें, आप जेनरिक नेम पे डॉक्टर लिखते हैं और उसके बाद उसका ये खत्म हो जाएगा, नहीं। जेनरिक नेम शुरू होगा तो मेडिकल स्टोर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, मेडिकल स्टोर कौन सी कंपनी की दवा देता है। बात सारी ये है कि पहले एक एक करके सिस्टम को खत्म करें और जो खराबी है उसको खत्म करें, और मेरी सजेशन ये है कि इस प्रोग्राम के जरिए हमें कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए। मेरा मशवरा ये है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि आप मेडिकल स्टोर की जो रजिस्ट्रेशन है पहले इसको देखें कि कितने अनरजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर काम कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि उसमें कितने फार्मासिस्ट बैठे हैं जो क्वालिफाइड है या कितने लोग अनक्वालिफाइड है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करे कि जी बगैर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की कोई दवा डिस्पेंस नहीं होगा, और उस पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करे। ये ना हो कि बीच में थर्ड पार्टी आके वो अपना खांचा बनाए कि ठीक है साहब आप करो काम। हमारा मुल्क जब तक मेरिट पे ऑनेस्टी पे काम नहीं करेगा, काम नहीं चलेगा। और ये सेहत का मामला है, मैं कंडेम करता हूँ डॉक्टरों को, उन तमाम लोगों को जो कि डॉक्टर अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, लेकिन वो मरीज की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, अननेसेसरी एक्सरे करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट हमने मैडम से लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम नज़रें उन पर हैं, क्योंकि पॉलिसी उन्होंने बनानी है, ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चंस डॉक्टर साहब अभी भी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब उठा रहे हैं। कोई एक लड़का काम करता हो किसी फार्मेसी पे तो उस छोटे मोहल्ले के अंदर उसको डॉक्टर कहना शुरू कर दिया जाता है, वो डॉक्टर के नाम से मशहूर हो जाता है, वो जो दवाई देता है लोग तो वो भी लेना शुरू कर देते हैं। एंड पे तो गवर्नमेंट ने करना है, कोई टाइम फ्रेम है कि इतनी देर में कोई कार्रवाइयां भी शुरू हो जाएंगी, कुछ हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? देखिए जी, कार्रवाइयां तो होती रहती हैं, रेड्स भी होती हैं, ड्रैप के ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ छापे मारते रहते हैं, हेल्थ केयर कमीशन भी जो है वो काम अपना कर रहा होता है, बहुत सारे क्लिनिक्स को बंद भी किया जाता है जहाँ पे इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस आती हैं, वो भी सारी चेक एंड बैलेंस में होती हैं। मगर जाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, इसको मजीद इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। मगर मेरी डॉक्टर कम्युनिटी से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, चूंकि एक सिलसिला होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ, और वो तो वो लोग भी महंगे प्रिस्क्राइब करते हैं जबकि उसी की सस्ती वर्जन भी मौजूद होती हैं। तो ये तमाम लोग कि अपना अपना रोल अदा करना होगा, गवर्नमेंट को अपना करना होगा, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को अपना करना जो होगा, सेगमेंट्स इसके अंदर हैं या लोग हैं इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर नौशीन आमिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इस अहम मामले पर आप बात कर रहे थे, और ये बहुत ही संजीदा मामला है, आवाम को खुद भी पता होना चाहिए, इलाज वो होता है जो डॉक्टर आपको बता